नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। खेती में मुनाफा कमाने के लिए हर किसान प्रोत्साहित रहता है और उत्सुक रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे किसान हैं जो कि परंपरागत खेती कर रहे हैं और नई नई तकनीकों की जानकारी ही नहीं लेते हैं। इसका कारण ये है कि वो अपने उस परंपरागत तरीकों से निकलना ही नहीं चाहते हैं। किसान भाइयों, आज हमारे कार्यक्रम के द्वारा हम समय रहते बहुत सारी कृषि संबंधी जानकारियां आपके घर तक पहुंचाते हैं हमारे कार्यक्रम के जरिए। तो आप इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं और समय समय पर नई नई तकनीकों की जानकारी लेके खेती करें। इससे आपकी अधिक से अधिक उन्नति भी होगी और लाभ प्राप्त होगा। तो किसान भाइयों, चलिए आज से ही इसकी शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन से। तो किसान भाइयों, अभी समय हो चला है समाचारों का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती और मंडी भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं कृषि के मुख्य समाचारों पर। 116 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई पूरी, 9 जिलों में सामान्य से कम बारिश, सोयाबीन में कीट रोग रोकथाम के उपाय, पपीता में पोषक तत्व प्रबंधन, पशुओं को गलघोटू रोग से बचाए। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 116 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई पूरी, इस वर्ष सोयाबीन बुआई का कम रकबा उड़द बुआई में तब्दील हुआ है। सोयाबीन की बुआई इस साल 48 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 3 लाख हेक्टेयर कम है। किसानों द्वारा सोयाबीन को छोड़कर उड़द को प्राथमिकता दी गई है। यही वजह है कि चालू खरीफ में निर्धारित लक्ष्य 12 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 17 लाख हेक्टेयर में उड़द की बुआई की गई है। कृषि संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक प्रदेश भर में 116 लाख हेक्टेयर में खरीफ बुआई की जा चुकी है। इसमें सबसे अधिक 48 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन बोया गया है। अभी तक 16 लाख हेक्टेयर में धान बोनी की गई है। खरीफ की अन्य फसलों में ज्वार 1.5 लाख हेक्टेयर, मक्का 13, बाजरा 3.34, अरहर 6, मूंग 2, मूंगफली 2, तिल 2 एवं कपास 6 लाख हेक्टेयर में बोया गया है। कृषि विभाग से संबंधित योजनाओं को और अधिक बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने तथा योजनाओं को और अधिक उपयोगी बनाने के उद्देश्य से किसानों के सुझाव प्राप्त हेतु कृषक सम्मेलन आयोजित किए जाए, यह निर्देश भोपाल कलेक्टर सुदाम खाड़े ने आयोजित आत्मा बैठक में दिए। बैठक में कलेक्टर श्री खाड़े ने निर्देश दिए कि कृषि की नई नई तकनीकों तथा फसलों की नई नई किस्मों के प्रचार प्रसार के लिए प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किए जाए और किसानों को उनके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि किसान भाई इन तकनीकों को अपना कर अपनी आय बढ़ा सके। बैठक में कृषि विस्तार सुधार कार्यक्रम आत्मा अंतर्गत वर्ष 2016-17 के कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। इस वर्ष मौसम विभाग ने भले ही देश भर में सामान्य बारिश की उम्मीद जताई है, लेकिन मध्य प्रदेश का चौथाई हिस्सा कम बारिश की मार झेलने को मजबूर है। प्रदेश के 9 जिलों में अत्यधिक कम बारिश हुई है। इन जिलों में कम पानी गिरने से फसलों के साथ ही पीने के पानी का संकट संभावित है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 12 जिलों में सामान्य से ज्यादा एवं 9 जिलों में कम बारिश दर्ज की गई है। प्रदेश के 37 जिलों में सामान्य बारिश हुई है। सबसे कम वर्षा आगर, मालवा, शिवपुर, शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर, शहडोल, अनूपपुर एवं बालाघाट जिले में हुई है। सबसे अधिक वर्षा के मामले में इस साल कटनी, रीवा, झाबुआ एवं नीमच जिले भाग्यशाली रहे हैं। इन चारों जिलों में 40 से 59% अधिक बारिश हुई है। सबसे कम बारिश वाले जिले अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, नरसिंहपुर, शहडोल, आगर, मालवा, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी और श्योपुर। अधिक वर्षा वाले जिले जबलपुर, कटनी, रीवा, झाबुआ, नीमच, पन्ना, सतना, सिंगरौली, बड़वानी, गुना, खंडवा, मंदसौर, राजगढ़, रतलाम एवं उज्जैन हैं।
जिन स्थानों पर रिमझिम वर्षा अभी तक हो रही है वहां पत्ती खाने वाली इल्ली कलियां, फूल या नन्ही फलियों पर भक्षण करती है, जिसके कारण सोयाबीन में अफलन की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहती है। अतः ऐसे स्थानों पर कीट नियंत्रण हेतु क्लिनोफॉस 1500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या इंडोक्साकार्ब 333 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। जिन स्थानों पर फसल में गडल बीटल का प्रकोप प्रारंभ हो चुका है वहां थाइक्लोप्रीट 22SC 650 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या प्रोफेनोफॉस 50EC 1250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या ट्राइसोफॉस 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर का 500 लीटर पानी के साथ छिड़काव करें। फलों की खेती में पपीता ही एक ऐसा फल है जो कि बहुत कम समय में 9 माह में आना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए पपीते की खेती के लिए अधिक मात्रा में खाद एवं उर्वरकों की आवश्यकता होती है। पौधे लगाने के लिए 1.5-5 महीने बाद ही खाद एवं उर्वरक की मात्रा देना प्रारंभ कर देता है। 5 से 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 10 से 20 ग्राम नीम खली, 40 ग्राम नत्रजन, 40 ग्राम फास्फोरस तथा 50 ग्राम पोटाश प्रति पौधा माह में एक बार देना चाहिए। इसके अतिरिक्त कैल्शियम नाइट्रेट 5 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 2 ग्राम, बोरिक एसिड 2 ग्राम तथा आयरन 1 ग्राम प्रति पौधा 2 महीने में एक बार देना चाहिए। पशुओं में गलघोटू रोग एक खतरनाक बीमारी है। बचाव के लिए प्रतिवर्ष बरसात के मौसम के शुरू होने से पहले पशुओं को सामूहिक रूप से गलघोटू के टीके लगवा देने चाहिए। पशुपालन विभाग के द्वारा सामूहिक टीकाकरण का प्रबंध किया जाता है। ये टीके पशु चिकित्सक से संपर्क करके लगवाए जा सकते हैं। इसके प्रयोग से पशु में 6 माह या अधिक समय तक रोग रोकने की शक्ति बनी रहती है। रोगी पशु के संपर्क में आए सभी पशुओं को एंटी सीरम का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। एंटी सीरम देने के 15 दिन बाद पशुओं को वैक्सीन प्रतिरोधक टीका लगवाने से अधिक लाभ होता है। संक्रामक रोगों की रोकथाम के सभी ढंग इस रोग की रोकथाम के लिए प्रयोग होने चाहिए। मुख्यतः इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अति आवश्यक है। रोग फैलने की सूचना तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सक को दे। सभी पशुओं को प्रतिरोधक टीका समय रहते लगवा ले। बीमार पशु को तुरंत अन्य पशु से अलग कर दे और उसके खाने पीने का प्रबंध अलग से करे। जहां जहां पशु की लार गिर रही है वहां पर कपड़े धोने का सोडा या फिर चूना डालते रहे अथवा फिनाइल का घोल छिड़क दे। मृत पशु को या तो जला दे या गहरा गड्ढा खोदकर पर्याप्त चूने की मात्रा डालकर गाड़ दे। तो किसान भाइयों, ये तो थी खबरें खेती की। इसी के साथ आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मसूर के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम भाव 3,150 रहा, अधिकतम भाव 3,650 रुपए रहा। ब्यावरा में न्यूनतम भाव 3,150 रहा, अधिकतम भाव 3,815 रुपए रहा। गोरखपुर में न्यूनतम भाव 3,050 रहा, अधिकतम भाव 3,150 रुपए रहा। जबलपुर में न्यूनतम भाव 3,000 रहा, अधिकतम भाव 3,505 रुपए रहा। आइए अब बात करते हैं सरसों की। भिंड में न्यूनतम भाव 3,330 रहा, अधिकतम भाव 3,420 रुपए रहा। काला पीपल में न्यूनतम भाव 3,400 रहा, अधिकतम भाव 3,780 रुपए रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 3,250, अधिकतम भाव 3,523 रुपए रहा। रीवा में न्यूनतम भाव 3,185 रुपए रहा, अधिकतम भाव 3,279 रुपए रहा। आइए अब बात करते हैं गेहूं की। गेहूं के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार हैं। आगर में न्यूनतम भाव 1,530 रुपए रहा, अधिकतम भाव 1,880 रुपए रहा। बेगमगंज में न्यूनतम भाव 1,550 रहा, अधिकतम भाव 1,700 रुपए रहा। भोपाल में न्यूनतम भाव 1,600 रहा, अधिकतम भाव 1,892 रुपए रहा। छिंदवाड़ा में न्यूनतम भाव 1,590 रुपए रहा, अधिकतम भाव 1,769 रुपए रहा।
आत्मा योजना से मिले तकनीकी ज्ञान, उन्नत कृषकों को सम्मान। किसान भाइयों, मध्य प्रदेश आपके परिश्रम और लगन से अब है देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य, इसीलिए लगातार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त होने की आप सभी को बधाई। किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के साथ आत्मा योजना से आपको मिलते हैं कई तरह के लाभ, उन्नत कृषि तकनीकों और विविधतापूर्ण खेती की जानकारी, समस्याओं के समाधान प्राप्त करने के अवसर, ग्राम स्तर से जिला स्तर तक कृषि योजना निर्माण में भागीदारी, किसान मित्रों के रूप में स्थानीय कृषि सलाहकार, फार्म स्कूल, कृषि उद्यमिता को प्रोत्साहन। किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, उन्नतशील कृषक एवं कृषक समूहों को सम्मानित करने के लिए विकास खंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर दिए जाने वाले नकद पुरस्कार और उत्कृष्टता अलंकरण से जुड़े अपने कार्यों का विवरण देने तथा पंजीयन करवाने के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय से संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की, सोमवार से बुधवार शाम 5:20 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हमारे देश में संतरे की खेती बृहद स्तर पर की जाती है। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी इसकी खेती बहुत अधिक की जाती है। इसकी अलग अलग प्रजातियां होती हैं और इन प्रजातियों के हिसाब से ही इनकी समय समय पर देखभाल भी बहुत आवश्यक है। जो किसान इस समय नर्सरी का कार्य कर रहे हैं, उन्हें बहुत आवश्यक है कि वे संतरे की देखभाल कैसे करें इसकी जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि अधिक से अधिक लाभ हमारे हर किसान का सपना होता है। तो आइए, संतरे की खेती में लाभ कैसे प्राप्त करें और इसके सामयिक कार्यों का कैसे ध्यान रखें, आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर DN नांदेकर से। कृषक बंधु, जो कृषक नए बगीचे लगाना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक सुझाव दूंगा कि सबसे पहले आपको जो है, जिस खेत में आप बगीचा लगाना चाह रहे हैं, वहाँ पे जिस षटकोण या चतुर्कोण स्क्वायर पद्धति से हम ये लगाना चाहते हैं बगीचा, तो पहले उसका लेआउट कर ले। लेआउट करने के उपरांत ज़मीन जो है हमको जो है ना तो एकदम भारी चाहिए और ना ही एकदम हल्की चाहिए, मध्यम प्रकार की ज़मीन हो जिसमें कि चूनखड़े का प्रमाण जो है 5-7% हो। यदि 7% या 10% से चुनखड़े का प्रमाण होता है, ऐसे ज़मीन में हमें संतरे का बगीचा नहीं लगाना चाहिए। जब हम पौधे विश्वसनीय संस्थान से या चंदनगांव फार्म से हम प्राप्त करते हैं, नींबू वर्गीय संस्थान से, तो पैकेट में तैयार मिलेंगे आपको, उस जितने उस आपके पैकेट में गड़े हुए हैं ज़मीन में, पैकेट में उतने ही आपको ज़मीन में उसको लगाना है। गड्ढे तैयार करके रखे और गड्ढों में जो है आप जो है इन पौधों को ले जा के रखाइए, लगाइए। इस बात का ध्यान रखें कि जब हम पौधे लगाते हैं तो उसकी जो बडिंग की गई है, जिसकी बर्थ जो है संतरे की जो है, वो ज़मीन की सतह से न लगे, ज़मीन की सतह से करीब वो 5-6 इंच ऊँची होना चाहिए। तत्पश्चात इन पौधों को लगाने के बाद, उनको जो है लगाने के पहले 1 वर्ष के बाद जो है आप उसमें 125 ग्राम यूरिया न हो तो 250 ग्राम जो है अमोनियम सल्फेट, 100 ग्राम जो है सुपरफास्फेट, 25 ग्राम जिंक सल्फेट, 25 ग्राम फेरस सल्फेट और 25 ग्राम
आपका कॉपर जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इनका उपयोग करें। और इससे क्या होता है कि पौधे की बढ़वार अच्छी होगी और जो अपने ज़मीन में या भूमि में पोषक तत्व की कमी है उस पोषक तत्व की कमी को पूरी किया जा सकता है और उसकी पौधों की बढ़वार हमको अच्छी प्राप्त होगी। आज के समय में जिन बगीचों में जो बगीचे फलों पे हैं उनमें ये देखा गया है कि बरसात के दिनों में पानी का निकास ठीक नहीं है, जिसके फलस्वरूप जहाँ पे पौधों में फूल आए हुए हैं वो फूल गिरने की संभावना बन सकती है। इसलिए बेहतर है कि आप जो है सबसे पहले उसमें जो है पानी का निकास की व्यवस्था बनाएं। दूसरी बात, उसमें जो है खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। खरपतवार को नष्ट करने के लिए आपको ग्लाइफोसेट का उपयोग जो है वीडिसाइड के रूप में आपको करना है। यदि हमारे पास वीडिसाइड परमिट नहीं करता है तो आप जो है जहाँ पे बगीचा है उसके बीच में आप हल्का सा जो है डौरा चलवाइए, ताकि जो गहरा डौरा नहीं चलाए ताकि वो वहाँ का घास जो है आपका नष्ट हो जाए पानी से सड़के। साथ ही उसमें फर्टिलाइज़र की बात की मैंने आपको, फर्टिलाइज़र के बाद ये देखा गया है कि उसमें फल गलन भी प्राप्त होता है। आज के समय में फल गलन की समस्या अधिक देखने को मिल रही है, तो फल गलन को रोकने के लिए आपको जो है 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड, 100 ग्राम आपका क्या बोलते हैं उसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और 1 किलोग्राम जो है यूरिया, ये 100 लीटर पानी में घोलकर अगर आप छिड़काव करते हैं तो आपकी फल गलन की समस्या समाप्त हो जाएगी। यही जो है छिड़काव दोबारा जो है आप करीब 25 से 30 दिन के बाद करें, इससे करने से आपके फल गलन की समस्या नष्ट हो सकती है। आज के समय में ये भी देखा गया है कि जो नई पत्तियां आ रही हैं उसमें कीड़ों का अटैक देखने को मिल रहा है, रस चूसने वाले कीड़ों का अटैक देखने को मिल रहा है, थ्रिप्स का अटैक देखने को मिल रहा है, अपना साइट्रस सिला का अटैक देखने को मिल रहा है। इसको रोकने के लिए हमें ज़रूरी इस बात की है कि हम जो है इंसेक्टिसाइड का क्विनालफॉस का छिड़काव करें। क्विनालफॉस जो है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल करके अगर छिड़काव करते हैं तो इससे इन कीड़ों से हमको राहत मिलेगी और जो होने वाला जो नुकसान है उससे हमको बचाया जा सकता है। यही मैं किसान भाई को आज के समय में जानकारी दूंगा कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपकी किस बगीचे का रखरखाव करते हैं तो संतरा उत्पादक लोग जो हैं जो होने वाली हानि है उससे हम बचाया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू, देख खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं, कैसे उठाएं इनका लाभ, जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कसौ सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी, कुछ सीख नया कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान,
छेड़ो बातें बदलाव की। ये बात आज छिपी नहीं है कि विज्ञान ने आज बहुत अधिक तरक्की कर ली है और इस विज्ञान की नई नई तकनीकों को सभी को अपनाना भी चाहिए। आज हम आपको ऐसे ही एक किसान से रूबरू कराएंगे जिन्होंने आधुनिक कृषि को अपनाया और बन गए सफल किसान। तो चलिए देखते हैं उनकी सफलता की कहानी। अब हम बात करते हैं किसान से जिनके साथ रुचि काम कर रही हैं, श्री शिवाजी हैं। उनसे जानते हैं कि किस तरह से वो इनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। शिवाजी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूँगा कि जब इन विद्यार्थियों के साथ आप काम करते हैं, अपनी पारंपरिक खेती के कुछ गुर इन्हें सिखाते हैं, कुछ आधुनिक खेती के गुर इनसे सीखते हैं जो कहीं ना कहीं तकनीक के जरिए सीख कर आए, किस तरह से क्या अनुभव रहता है आपका? देखो किसान भाइयों, ये रावी की छात्रियाँ जैसे हमारे फील्ड में जाती है और हमें कई प्रकार की बातें ऐसी बतलाती, जैसे दवाई के बारे में, बीज उपचार के बारे में। कई बार किसान ऐसी परिस्थिति में बीज उपचार नहीं करता और वैसी बोनी कर देता है, और मैं तो काफ़ी हद तक बीज बिना उपचार के तो लगाता ही नहीं। और मैं मेरे अपने खेतों में मैं सब्जी की खेती, अनाज की खेती सबसे ज़्यादा करता हूँ, और जिसमें है अब सब्जी में है आलू है, गोभी है, मटर है और टमाटर है, ककड़ी है, लौकी है, इसकी खेती होती है। और गेहूं भी बोते हैं, मक्का लगती है गर्मी में, हरा भुट्टा जो हमारे यहाँ मार्केट में चलता है वो भी हम लोग इसकी खेती करते हैं। अभी हमारे यहाँ प्राय मक्की की, हरे भुट्टे की खेती का काम चल रहा है, और अनाज के दाने वाली जो मक्का होती है उसी को भी हम लगाते रहते हैं। यहाँ एक चीज़ आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि विद्यार्थियों की, जैसे हम बात कर रहे थे कि विद्यार्थी आपके पास आके सीखते हैं और कुछ आपको सिखाते हैं, तो वो कौन से तरीके हैं जो आप इनसे सीखते हैं, जो आधुनिक तरीके हैं, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप पारंपरिक तौर पर करते आए हैं और इन बच्चों को वो ज्ञान मिलता है आपसे? नहीं, जैसा इन लोगों ने बताया कि आज खेती जैसे इनके इसके कि बीज उपचार होना और ड्रिप सिस्टम होना। अभी हम लोग किसान भाई कभी बिना ड्रिप की खेती करते हैं, ड्रिप का उपयोग नहीं करते क्योंकि हमारे पास पानी पर्याप्त है, इसीलिए हम ये ड्रिप वगैरह, क्योंकि हम 3 महीने की फसल लेते हैं, जैसे आलू भी 3 महीने का होता है और ये हरा वाला भुट्टा जो है ये भी 3 महीने का होता है, तो हर फसलों में ड्रिप उठाना रखना ये हमें ज़्यादा महंगा पड़ता है, इसलिए हम इसका उपयोग नहीं करते। तो किसान भाइयों, आज हमने रावे प्रोग्राम के बारे में जाना जो कृषि विश्वविद्यालय चलाता है अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने विद्यार्थियों को वो भेजता है कृषि अनुसंधान केंद्रों में जहाँ जाकर वो किसानों के बीच में काम करते हैं, जो उन्होंने वहाँ सीखा पढ़ा वो किसानों में बांटते हैं अपने उस अनुभव और ज्ञान को, और किसानों से बहुत कुछ सीखते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज उनको मिलता है। जब ये कुछ पा लेते हैं और कुछ अच्छा बनते हैं तब निश्चित ही आगे जाकर कुछ और ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिलता है। किसान भाइयों, इसी तरह की और भी बहुत कुछ जानकारियां जो हम हर बार आपके लिए लेकर आते हैं, निश्चित ही जब भी अगली मुलाकात होगी उसमें भी ऐसी ही कुछ अद्भुत और अनोखी जानकारी आपके समक्ष होगी। तब तक के लिए मुझे आगे दीजिए, नमस्कार। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा ए, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, कैसा लगा हमारा आज का ये अंक? हमें उम्मीद है कि आज के अंक से आपने बहुत कुछ लाभ लिया होगा और बहुत कुछ खेती संबंधी बातें भी सीखी होंगी, और हमें उम्मीद है कि इस अंक को देख के आप अपनी कृषि को अधिक से अधिक बढ़ाएंगे और लाभ प्राप्त करेंगे।
यदि आपको हमारे कार्यक्रम को लेकर कुछ विचार हैं या जिज्ञासाएं हैं तो आप हमें पत्र अवश्य लिखें। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल, पिन 462013। तो किसान भाइयों, अगले अंक में कुछ और कृषि संबंधी जानकारियों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।